अंगद जरा एक नजर मुझे भी देखो और बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। रॉबिन, या ब्रो, एक बार देख के बताना कैसी लग रही है। आई मीन मेरी तरफ से। शी इज लुकिंग नाइस, टेरिफिक, आई मीन माइंड ब्लोइंग। अंगद, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ ना। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या कहा? तुम्हारे बालों के पीछे वाले कानों ने जो सुना वही कहा, और बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा लग रहा है कहने के बाद। फील गुड वाली फीलिंग हो रही है। फील गुड वाली फीलिंग हो रही है। अंकित, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं थक गया हूँ मजाक कर करके। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया यार। जब से मैंने अम्बाला में कदम रखा है ना, तब से मैं अंधा हो गया हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आशिक आवारा पागल दीवाना, ऐसा सा हो गया हूँ। मुझे ऐसा बन के नहीं रहना। अगर ऐसा बन के रहना तो मैं किसी लड़की के साथ कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे चक्करों में पागल होता चला जाऊंगा। मुझे शादी करनी है और मैं शादी कर रहा हूँ। क्या नाम है इसका, पेरी से। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ डबल गेम मेरे साथ मत खेलो। कभी आती हो मेरे को खींच के ले जाती हो, कभी पुश करती हो, कभी बोलती हूँ दे देखो, कभी बोलती हूँ दो देखो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। पूरे टाइम मैं खाना खाता नहीं हूँ यार। मेरे को एसिडिटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें पता है मैं डिनर के टाइम पे लंच करता हूँ, डिनर तो करता ही नहीं, उसके चक्कर में मैं भूखा रहता हूँ। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर, मेरी हेल्थ में तरस खाओ यार, और जाओ यहाँ से और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, अब से ना यही करूंगी। थैंक यू। रमा, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस है। हाँ बोलो। तुम ना अपनी ये एटीट्यूड वाली दीदी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी। हाँ, लेकिन क्यों भाई? आई मीन क्यों अंगद? भाई क्यों? जो भी है, तुम इसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई ना कोई है जिसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं, जिसके दिल में कुछ और चल रहा है। किसके दिल में, मुझे समझ में नहीं। बहुत लंबी कहानी, आराम से सुनाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आई वांट दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू कि इसको अकेला मत छोड़ना। ओके डन, मैं देखो एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओके, प्रॉमिस। ब्रो, ये क्या था? जिसके पीछे पीछे भागते थे आज उसी को यहां से भगा दिया। उसको भगा दिया या खंजर लेके अपने ही सीने पे चला लिया, पता नहीं। इसका खून अभी तक बह रहा है, देख। टप टप टप। ऑलराइट, आई एम रेडी फॉर मैरिज।